कि आज हनुमानगढ़ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री का घेराव किया। इसमें पुलिस ने हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, हमारे कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर चोटें आई हैं। पर हम यही कहना चाहेंगे, हमारी मांगे जो है हम मनवा के रहेंगे। हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनको लेके जो है आज हमने घेराव किया। हमारी प्रथम मांग है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव जो है हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तानाशाही को रोकते हैं। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि देश की लोकसभा में, राजस्थान की विधानसभा में छात्र संघ से बहुत सारे हमारे अच्छे नेता निकल के गए हैं जिन्होंने एक अच्छा संघर्ष किया है। साथ ही हमारी मांग है कि जो अग्निवीर स्कीम है इसको बंद किया जाए और पुरानी जो सेना भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको लागू किया जाए। साथ ही हम लोग देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हमारे नौजवान नशे के अंदर बहुत ज्यादा लिप्त हो चुके हैं, हमारी नस्लों को खराब किया जा रहा है। तो जो भी नशे के माफिया हैं, जो जिन्होंने नौजवानों को खराब करने की ठान रखी है, हम उनको चेतावनी देते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं कि आप जो है एक मजबूत कानून बनाएं और इन नशे के कारोबारियों के खिलाफ जो है आप मजबूती से इनके खिलाफ खड़े हों, ताकि हमारे नौजवानों को एक सही जिंदगी, एक स्वच्छ जिंदगी मिल सके। साथ ही नीट का मुद्दा पूरे देश में ज्वलंत मुद्दा है। हम लोग एनएसयूआई कई जिलों के अंदर आंदोलन कर चुकी है। हमारी यही मांग है कि नीट के पेपर को दोबारा किया जाए।